हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है क्या। और इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी मैंने दे रखे हैं। चलो तो अपना ये मैथ सीरीज चल रहा है, मैथ्स डाउट क्लियरिंग सीरीज, DCS, डाउट क्लियरिंग सीरीज। यस, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डाउट्स, अच्छे डाउट्स, इंपॉर्टेंट डाउट्स का मैं वीडियो बना करके यहाँ दूं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाई सेलिंग अ स्टूल फॉर अ 67.5 रुपीज, अ कारपेंटर लूजेज 10%। खरीदी उसको कुछ भी पड़ी होगी बनाने का कॉस्ट, उसने जब 67.5 रुपीस में बेचा तो उसको लॉस हुआ, मतलब उसने खरीदा इससे ज्यादा में होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा हुई होगी, तो उसको 10% का लॉस हुआ। मगर अगर वो उसी स्टूल को 67.5 की जगह 82.5 में बेचता तो उसको क्या लॉस होता या गेन होता, और कितने परसेंट का होता, ये पूछा है, ठीक है क्या। तो अपन सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस आएगा तभी उसके बाद वाला प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस इज सीपी, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है सीपी। तो लॉस हुआ मतलब कितना लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस, कितने में से, कॉस्ट प्राइस में से, है ना। तो फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे पहले, कितना लॉस हुआ कितने में से, इनटू क्या कर देते हैं 100, तो क्या आ जाता है परसेंटेज, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज, जो कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। ये लॉस परसेंट आ गया, जो कितना दिया हुआ है 10%, तो ये जीरो एक जीरो एक जीरो को मार डालेंगे बहरेमी से, एक जीरो ने एक जीरो को बहरेमी से मार डाला, है ना। चलो तो क्या आ जाएगा, देखो ये यहां मल्टीप्लीकेशन में इस सीपी को उधर भेज दो, तो सीपी माइनस 67.5 इज इक्वल टू सीपी, और यहां पर इंटू 10 भी है, इंटू 10, है ना। देखो ये सीपी यहां पर ओपन में था, सॉरी, ये सीपी आपका यहां पर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर सीपी मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और ये 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10 इंटू सीपी इज 10 सीपी माइनस 10 इंटू 67.5 इज 675, एक डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल और आगे चला जाएगा, इज इक्वल टू सीपी। तो देखो ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस, तो 10 सीपी माइनस सीपी इज 9 सीपी इज इक्वल टू 675, मतलब कॉस्ट प्राइस जो आ गई वो आ गई आपकी 675/9, ठीक है, 675/9, तो 9 9 7 63 4 9 5 45, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 75 रुपीज, मतलब वो कितने का, उसको बना कितने का था या उसने खरीदा कितने में कारपेंटर ने, 75 रुपीज में। बात समझ में आई। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, पहले लॉस दिया था और सेलिंग प्राइस दिया था, तो उससे अपन ने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आया 75 रुपीज। अब उसको कितने में बेचना, 82, ज्यादा में, तो मतलब तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाले को तो पहले ही मार डाला दोनों को, है ना, होगा तो प्रॉफिट, क्योंकि उसको खरीदा कितने में, मान लो उसने कॉस्ट प्राइस कितनी है 75 और सेलिंग प्राइस 82.5, तो पूछा प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, 20% या 10% गेन, प्रॉफिट मतलब गेन कितना हुआ, 10% या 20%, तो आप क्या बोलोगे, बेचा कितने में 82.5 और खरीदा कितने में था 75, तो देखो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 12 माइनस 5 7 7.5, कितना आ जाएगा ये 7.5, ये प्रॉफिट हो गया ना, कितना रुपए प्रॉफिट कमाया उसने, अगर वो 82.5 में बेचे, 75 में खरीदा और 82.5 में बेच दे, तो कितना का प्रॉफिट होगा 7.5। आई नो सब कोई बच्चे हैं, अभी कैडेट्स हैं फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास के, लेकिन जहां प्रॉफिट लॉस की बात आती है ना, वहां कैलकुलेशन तो एकदम तगड़ा चलने लग जाता है, दिमाग दौड़ने लग जाता है एकदम, है ना। तो 7.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने में से 75 में से, कितने में से 75 कॉस्ट प्राइस में से, तो इनटू कर दूंगा 100, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो 82.5 माइनस 75 इज 7.5 अपॉन 75 इनटू 100, ठीक है, दो जीरो मतलब डेसिमल दो आगे, तो 750 अपॉन 75 10 टाइम्स, तो 10% गेन ऑफ 10% ए इज द करेक्ट आंसर। देखो चमक गया क्या, जल्दी से बताना, अपन ने क्या माना कि लेट द कॉस्ट प्राइस इज सीपी,
तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस हो गया अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस परसेंटेज होता है जो कितना दिया हुआ था 10, 1010 कट गया, सीपी को इधर लेके आ गए है ना, और सॉल्व किए तो सीपी कितना आ गया 675/9 मतलब 75, तो 75 में खरीदा और 82.5 में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 जो कितना आ गया 10। बात चमक गई, थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था, पेशेंस रखना था, ऑल इज वेल बोलना था और क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो तो ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही बहुत सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें आप लोग, ठीक है, मैथ्स डाउट क्लियरिंग सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करें और वो सारे क्वेश्चंस को एक बार जल्दी जल्दी जरूर देखें। और अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, AISSE क्लास 6 के लिए 100% फुल प्रूफ आपका जो कोर्स है 100% उसमें आपकी चीजें कवर हो गई हैं और ये मोर देन सफिशियंट है आपके AISSE के लिए। तो मैथमेटिक्स, IQ, इंटेलिजेंट टेस्ट, GK, GS और आपका लैंग्वेज, सारा सब कुछ इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें से बहुत सारे फ्री लेक्चर्स, फ्री स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल, क्लास नोट्स, ये सब आपके वहां पर है अवेलेबल, जिसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और फिर उसके आप स्टोर सेक्शन में जाएं और कोर्स में जाएं AISSE में, तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे फोल्डर वाइज बने हुए, आप उनको एंजॉय करें और आपको लगता है कि यार इससे कुछ ना कुछ पता है मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं लाखों बच्चों से आगे निकल सकता हूं, तो फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है क्या। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, अगले किसी लाइव क्लास पे, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।